गाइस, लास्ट कुछ वीडियो से देख रहा हूँ सपोर्ट बहुत कम हो गया है, मगर याद रखना मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो हमारे चैनल की सबसे लंबी वीडियो में से एक है और हमने बहुत कुछ ट्राई किया है इस वीडियो में करने के लिए, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और लाइक भी ज़रूर से कर देना। हे भगवान, मालिक कितने बुरे हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ पर थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हो ही जाती है, और इन गलतियों के लिए इस तरह से पीटना बहुत गलत है। पापा, क्या हुआ पापा, आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आज मैंने गलती से एक प्लेट तोड़ दी तो मालिक ने मुझे बहुत मारा बेटा, बहुत मारा। क्या करे बेटा, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। मैं जब भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तो बुरा हो जाता है। पापा, हम गरीब है तो क्या हुआ, किसी को हमें मारने का हक नहीं है। ये बहुत गलत बात है पापा, कोई भी आपको इस तरीके से नहीं मार सकता है। आप उनके उधर नौकरी छोड़ दो पापा, आप कोई और काम करो। आज मैं सेठ जी को नहीं छोड़ूंगा, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। देखना, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तब उनकी अकल ठिकाने आएगी। अभिषेक, रुक जाओ अभिषेक, तुम्हें मेरा वास्ता। पापा, आप ये ठीक नहीं करते, उन्हें उनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। कैसे उन्होंने आप पे हाथ उठाया, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम एक बार मेरी बात सुन लो बेटा, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। पुलिस कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा हमें कोई दूसरा काम भी नहीं मिलेगा। तुम अंदर चलो बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने और तुम्हारी मम्मी ने कुछ सोचा है, आओ तुम्हें बताता हूँ। पापा, आप दोनों ने क्या सोचा है, मुझे बताओ। अभिषेक बेटा, एक बार तुम्हारे बड़े भाई को आने दो, फिर हम तुम दोनों को एक साथ ही बताएंगे। अभिषेक बेटा, एक बार धीरज को आ जाने दो, फिर तुम्हें सब बताएंगे। पापा, कुछ तो बताओ, थोड़ा सा। ठीक है अभिषेक, सुनो, मैं जल्द ही मालिक के यहाँ नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैंने खुद का ऑटो लेने का सोचा है, जिसके लिए मैंने कुछ पैसे भी जमा किए हैं। लगभग पूरे पैसे जमा हो चुके हैं बेटा, बस थोड़े से बाकी हैं। एक बार पूरे पैसे जमा हो जाए फिर मैं नौकरी छोड़ दूंगा और खुद का ऑटो चलाऊंगा। हाँ पापा, ये अच्छा रहेगा, फिर आपको कोई मारेगा नहीं। अबे यार, क्या मस्त कार है, आज से पहले ऐसी कार तो देखी ही नहीं मैंने। यार क्या ही जबरदस्त है, कितनी तेज चलती होगी। आसपास कोई नहीं है, जाके देखता हूँ। अरे भाई भाई भाई, क्या कार है यार, जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तब मेरे पास भी ये कार होगी। क्या ओपी दिख रही है, जब आसपास कोई नहीं है तो बैठ के देखता हूँ। ओहो, क्या कार है यार, जिसकी भी ये कार है उसकी जिंदगी तो सफल है समझो। ऐसी कार होना अपने आप में गर्व की बात है। काश मेरे पास मोबाइल होता तो मैं सेल्फी लेता। अबे कौन है बे, तुझे पता है ये किसकी गाड़ी है, चल हट गाड़ी से उतर। भैया भैया सॉरी, मुझसे गलती हो गई भैया, आज के बाद कभी नहीं ऐसा करूंगा। साले, तूने गाड़ी पे बैठ के उसकी शोभा खराब कर दी, तेरे जैसा नीच इस कार पे। थू, भैया मत मारो भैया, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा भैया। तेरे हाथ पैर सब तोड़ देंगे, फिर बैठ ही नहीं पाएगा। नहीं भैया मत मारो भैया, बहुत दुख रहा है भैया, प्लीज मत मारो। प्लीज भैया छोड़ दो भैया। साले, आज के बाद अगर इधर दिखा तो हाथ पैर काट के कुत्तों को खिला दूंगा। आखिरी बार माफ कर दो भैया, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। निकल जा यहाँ से, कभी नहीं दिखना। बहुत दुख रहा है, पता नहीं कैसे मारा उन्होंने, कंधे में इतना दर्द हो रहा है। मेरा कोई इरादा नहीं था कार को गंदा करने का, फिर भी उन्होंने इतनी जोर से मार दिया, लगता है अंदरूनी चोट आ गई।
मम्मी पापा को बताना पड़ेगा, बहुत दर्द कर रहा है। मम्मी पापा, मम्मी सुनो, कंधे में बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। धीरज बेटा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? अरे सुनती हो, इसको देखो। मम्मी पापा, हमारे घर से थोड़ी दूर पे एक कार लगी थी, मैं बस उसे देख रहा था, पर बॉडीगार्ड्स आए और उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। धीरज बेटा, तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ, पर कंधा बहुत दुख रहा है, सहा नहीं जाता। धीरज बेटा, तुम धीरज रखो, तुम्हारे कंधे को कुछ नहीं होगा, अभी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे कंधे पे बाम लगा देगी और फिर देखना, एक दो घंटों में तुम्हारा दर्द तो छू मंतर हो जाएगा। पापा आप सच बोल रहे हो? हाँ बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मुझ पे विश्वास नहीं तो मम्मी से पूछ लो। पापा आप पे विश्वास है, लो मम्मी बाम लगा दो। देखो बेटा, अभी तो मैं बाम लगा दे रही हूँ, मगर आगे से तुम जब भी कहीं जाओगे तो मुझे बताए बिना मत जाना। ठीक है, आज से मैं जब भी कहीं जाऊँगा तो आप में से किसी को बता के जाऊँगा। लो बेटा बाम लग गया, अब तुम आराम से सो जाओ, देखना कल तक तुम्हारा दर्द छू मंतर हो जाएगा। मम्मी बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह हो गई, एक बार धीरज से पूछ लेता हूँ उसका दर्द कैसा है। बेटा तुम्हारा दर्द कैसा है? पापा दर्द बहुत बढ़ गया, अब मुझसे सहा नहीं जाता, आप प्लीज मेरे लिए दवाई ले आओ, बाम से कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है बहुत चोट आई है, दवाई लानी ही पड़ेगी। हाँ लगता है दर्द बहुत बढ़ गया, प्लीज जल्दी जाइए और दवाई लेके आइए। हाँ मैं अभी जाता हूँ। सुनिए आपके पास पैसे हैं? नहीं पैसे तो नहीं है, पर मालिक से ले लूंगा। चलो धीरज का ख्याल रखना। मालिक मालिक, आपकी मदद की बहुत जरूरत है मालिक। अरे क्या हो गया, किस लिए मदद चाहिए? मेरे बेटे के कंधे में चोट लग गई है, उसे बहुत दर्द हो रहा है मालिक, कुछ पैसे मिल जाते तो उसके लिए दवाई खरीद लेता। प्लीज मालिक आखिरी बार मदद कर दो, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा तो अब की बार ये बहाना है, पिछले महीने तेरी तबीयत खराब, इस महीने तेरे बेटे की, समझ क्या रखा है, मैं पागल हूँ? प्लीज मालिक मेरी मदद कर दो मालिक, वरना आपको कुत्ता काट लेगा। ये भी कोई तरीका है भीख मांगने का? मतलब मैं तेरी मदद नहीं करूँगा तो मुझे कुत्ता काट लेगा? मनोज मैं तुझे इंटेलिजेंट समझता था, पर तू तो चोर है चोर, पैसे ऐंठने के लिए तू बहाना मारता है, चल हट, तुझे इसकी सजा मिलेगी मनोज। अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दो, पर आप मारो मत। आज के बाद कभी मत आना, निकल जाओ यहाँ से। हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, पैसों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, अब मैं दवाई कैसे लाऊंगा। अरे मनोज क्या हो गया? मालकिन देखो ना मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मालिक ने पैसे तो दिए नहीं बल्कि दो तीन झापड़ मार दिया। मुझे तो पता ही था तुम्हारे मालिक है ही ऐसे एकदम कंजूस। मालकिन आप ही मेरी कुछ मदद कर दो, मेरी बेटे की तबीयत बहुत खराब है। मनोज तुम चिंता मत करो, ये लो पैसे और जाओ अपने बेटे का इलाज कराओ। मालकिन आप महान हो, आपने मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। मनोज मुझे थैंक यू बोलना बंद करो और जाओ अपने बेटे का इलाज कराओ। ठीक है मालकिन मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मेरे बेटे के कंधे में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, जैसा कि उसने मुझे बताया कल वो कहीं गया था और वहीं पे किसी ने उसे बैट से कंधे पे मारा, तब से बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, मैंने बाम भी लगाया
पर कोई असर नहीं हुआ। कोई अच्छी सी दवाई दे दो डॉक्टर साहब। नर्स ये लो और ये सारी दवाइयाँ अंदर से लेके आओ। जी डॉक्टर साहब। आप चिंता मत करिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। जो भी दवाइयाँ मैं दे रहा हूँ उन सभी दवाइयों को अपने बेटे को खिला दीजिएगा। अगर कल तक दर्द ठीक नहीं होता है तो आप उसे यहाँ ले आइएगा, क्योंकि हो सकता है चोट ज्यादा बड़ी हो। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। नर्स कहाँ मर गई? अरे आ गई डॉक्टर, ये रही दवाई। लीजिए दवाई और अपने बेटे को खिला दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके बाल बच्चे खुश रहे। धीरज बेटा ये लो, मैं दवाई ले आया। चलो दवाई तो आ गई, ये दवाई कब खानी है पापा? बेटा आज ये तीनों टैबलेट एक एक खा लो और फिर आराम से सो जाना। अगर कल तक दर्द कम नहीं हुआ तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। लीजिए पापा, मैंने दवाई खा ली। हाँ बेटा सभी खा लो। पापा ये दर्द कम तो हो जाएगा ना? चिंता मत करो बेटा, तुमने दवाई खा ली ना, अब दर्द कम हो जाएगा। हाँ भैया चिंता मत करो, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। चलो अब इसे आराम करने दो। बेटा दर्द कम हुआ? नहीं पापा, बहुत दर्द कर रहा है कंधा, अब तो सहा भी नहीं जाता। लगता है भैया को बहुत चोट आई है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ हम लोग अभी चलेंगे डॉक्टर के पास, चलो। हाँ पापा चलिए। धीरज बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बस तुम्हें देखेंगे, दवाई देंगे और तुम घर आ जाओगे। ठीक है मम्मी। डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी और कहा था अगर फर्क नहीं पड़े तो उसे ले के आना। कोई फर्क नहीं पड़ा डॉक्टर, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। ये तुमने बहुत अच्छा किया, हमें उसके कंधे का एक्सरे करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसके कंधे में क्या हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो करना है करिए, पर इसे ठीक कर दीजिए। आओ बेटा अंदर आओ। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे पापा से बात करके आता हूँ। ठीक है अंकल। सुनिए मैंने आपके बेटे का एक्सरे देखा, एक्सरे से यही पता चलता है कि आपके बेटे के कंधे में एक छोटा सा फ्रैक्चर है। हमें उसके कंधे की सर्जरी करनी होगी जिसमें लगभग 40 से 50 हजार रुपए का खर्च होगा। 40-50 हजार? हाँ आप पैसे जमा करवा दीजिए। क्या करें? पैसे कहाँ से लाएं? ऑटो के लिए जो पैसे रखे थे उनसे इलाज करा देते हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, रुको मैं पैसे मंगवा लेता हूँ। हेलो अभिषेक बेटा। हाँ पापा बोलिए। अलमारी में 40 हजार रुपए रखे होंगे, उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में ले आओ। पापा वो तो ऑटो लेने के लिए थे ना? अभिषेक ऑटो तो बाद में ले लेंगे, अभी धीरज का इलाज इम्पोर्टेंट है। ठीक है पापा मैं लेके आता हूँ। हाँ जल्दी आ जाओ, अभिषेक आता ही होगा। पापा ये लीजिए पैसे। हाँ बेटा दो। पर पापा आपका ऑटो लेने का सपना चूर चूर हो गया। कोई बात नहीं बेटा बाद में ले लेंगे। पापा मैं जब काम करूँगा तो आपके लिए ऑटो लेके आऊँगा। हाँ बेटा लेके आना। सर्जरी हो गई, धीरज अब बिल्कुल ठीक है, आप 1-2 घंटे में उसे घर ले जा सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पैसे जमा करवा दीजिए। डॉक्टर साहब पैसों की चिंता मत करिए, ये देखिए पैसे तैयार हैं। ओके अच्छी बात है। धीरज अब ठीक हो? हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा थोड़ा दर्द है। धीरज घर जाके आराम करना,
और कोई भी भारी चीज मत उठाना। डॉक्टर साहब, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। चलिए डॉक्टर साहब, हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है, मिलते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आओ धीरज बेटा, चलो घर चलो। जी पापा, चलिए। भैया कैसा लग रहा है? अरे अभिषेक, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाँ तो घर जाके शांति से सो जाना। हाँ हाँ समझ गया, अब ज्ञान मत दे। आपका ऑटो लेने का सपना खत्म हो गया। क्या करे, अपनी किस्मत में ही नहीं थी। थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के मैंने 40,000 इकट्ठा किया था ताकि एक सेकंड हैंड ऑटो ले सकूं। लेकिन परिस्थिति ही कुछ ऐसी आ गई कि सारे सपने चूर हो गए। मगर कोई बात नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, फिर से इकट्ठा कर लेंगे। मेरे कारण ये क्या हो गया? मैंने आज तक अपने घर वालों की मदद तो नहीं की, पर उनका काम खराब जरूर कर दिया। अगर मैं उस दिन उस कार पे नहीं बैठता तो वो लोग मुझे नहीं मारते और ना ही मुझे चोट लगती, और ये सब खर्चा भी नहीं होता सिर्फ मेरे कारण। अब से पापा को रोज रोज मालिक की मार खानी पड़ेगी। इन सब का दोषी मैं हूँ। अगर मैं इस घर में रहूँगा तो सब बुरा ही होगा। मैं इस घर पे रहने लायक नहीं हूँ, मुझे चले जाना चाहिए इन सब से दूर, ताकि ये लोग खुश रह सके। मैं इन सब के लिए मनहूस हूँ, मेरे कारण सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं किसी काम का नहीं। हेलो साहब, मेरे पास कोई काम नहीं है, प्लीज आप कोई गाड़ी दे दीजिए मुझे चलाने के लिए। ठीक है मिल जाएगी, बस तुम अपना आईडी प्रूफ और घर का पता दे दो। साहब मेरे पास तो आईडी प्रूफ नहीं है और मेरा घर भी परगेट्री में है, पर आप चिंता मत करो, मैं आपकी गाड़ी लेके नहीं भागूंगा। नहीं नहीं, ऐसे मैं नहीं दे सकता। तुमने कहा तुम नहीं भागोगे, लेकिन अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा। नहीं साहब, भगवान कसम मैं नहीं भागूंगा, प्लीज मेरी स्थिति समझिए, मुझे कोई गाड़ी दे दीजिए, मैं आपको भाड़ा भी दे दूंगा और समय पे गाड़ी जमा भी कर दूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं। प्लीज साहब मेरी बात मान लो, मैं कोई सी भी गाड़ी चला लूंगा, मुझ पे भरोसा करो, दे दो मुझे कोई गाड़ी। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, मगर मैं तुम्हें ये गाड़ी नहीं देने वाला, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ मैं कोई भी गाड़ी चला लूंगा, बस आप मुझे दे दो। ये ले जा सकता है। साहब ये गाड़ी चलेगी कि रस्ते में ही बंद हो जाएगी? बिल्कुल चलेगी, तू बस ये बता तुझे लेना है या नहीं। हाँ हाँ साहब ठीक है, मैं ले जाता हूँ। और याद रखना टाइम पर गाड़ी को पहुँचा देना। जी बिल्कुल, मैं समय से पहले ही आ जाऊंगा। आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ये यहाँ क्या हो रहा है? मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तेरे पास जितने भी पैसे हैं, चल निकाल दे। नहीं कभी नहीं, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। हमें पहले से पता है, इसलिए तो तुझे लूट रहे हैं। मुझे मार के बच नहीं पाओगे। पहले तू बचेगा तब ना। अरे यार ये क्या हो गया, उन दोनों ने तो इसे मार दिया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो।
तुम चिंता मत करो, तुम मेरे टैक्सी में चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। प्लीज जल्दी करो, नहीं तो मेरा दम टूट जाएगा। डॉक्टर, ये मुझे रास्ते पे मिला था, प्लीज इसका इलाज कर दीजिए डॉक्टर। ये तुमने बहुत सही किया, अगर तुम थोड़ी देर और कर देते तो शायद बहुत खून बह जाने के कारण इसकी मौत हो जाती। तुम बहुत भले आदमी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। डॉक्टर, ये बच जाएगा ना? वो तो टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर, क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका ख्याल रखिए। सर, आप चिंता मत करिए, मैं अपने दोस्तों में पता लगाता हूँ। अगर किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है तो मैं आपको तुरंत बताता हूँ। साहब, ये ओ नेगेटिव ब्लड किसको चाहिए? पोचिनॉक में हमारे सेठ जी का बेटा एडमिट है, उसे ही ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। साहब, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ पोचिनॉक। अगर तुम समय पे वहाँ पहुँच जाओगे तो उसकी जान बच जाएगी। हाँ, मैं अभी पहुँचता हूँ। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अंकल, मेरा नाम धीरज है। धीरज, तुम बहुत भले आदमी हो, तुमने मेरे बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाया। और इतना ही नहीं, हमने चारों ओर ढूंढा पर कहीं ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिल रहा था, पर तुम एकाएक मसीहा बन के आए और मेरे बेटे की जान बचा ली तुमने। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, बहुत अच्छे। आज से तुम्हें टैक्सी चलाने की कोई जरूरत नहीं बेटा। तुम अपने घर का एड्रेस दो, आज से तुम्हें जो भी जरूरत पड़ेगा वो सब मैं पूरा करूँगा। अंकल, मैं यहाँ नहीं रहता, मेरा घर परगेट्री में है। कोई बात नहीं, अभी मैं अपने लड़के को भेजता हूँ तुम्हारे साथ, वो परगेट्री जाएगा। तुमने मेरे बेटे को बचाया है, आज से तुम्हारे परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरी। तुम सभी को कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। अंकल, मुझे ये सब नहीं चाहिए। नहीं धीरज, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। नहीं नहीं अंकल, आप नाराज मत हो, मैं तैयार हूँ। पापा, मैं जाऊँ धीरज के साथ? हाँ बेटा, अभी तुरंत जाओ। भैया, आपके पापा ने मेरी किस्मत बदल दी। एक नाकारा लड़का जो अपना घर छोड़ के जा चुका था, अपने जिंदगी से हार चुका था, उसे सड़क से उठा के महल में बिठा दिया। चलो धीरज, अपने परिवार वालों से मिलाओ, मैं उन्हें ये खुशखबरी खुद सुनाऊंगा। ठीक है भाई, अंदर चलते हैं। पापा, मम्मी, अभिषेक, देख कौन आया है। अरे धीरज बेटा, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम कहीं मिले ही नहीं। धीरज बेटा, तुम ठीक हो? दिखने में कैसा लगता है, मैं कैसा हूँ? अंकल, मैं बताता हूँ, आज से आप लोगों को किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी जो भी जरूरतें होंगी, जैसी भी जरूरतें होंगी, वो सब मेरे पापा पूरी करेंगे। और हाँ, कुछ भी चाहिए हो तो कभी भी हिचकिचाना मत। बेटा, तुम कौन हो और ऐसे क्यों बोल रहे हो? अंकल, क्या, क्यों, कैसे, ये सब छोड़ो, बस आप लोग खुश रहो। पापा, आप खुद की ऑटो लेना चाहते थे,
पर मेरे कारण वो सपना चूर चूर हो गया। मगर अब आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए कार लेके आया हूँ। अब आप ऑटो नहीं कार चलाओगे। अपनी किस्मत बदल गई पापा, अपना वक्त बदल गया। पैदल चलने वाले अब सुपर कार से चलेंगे। गाइस आपको तो पता ही है फ्री फायर मैक्स लॉन्च हो चुका है और इसमें एक बहुत मस्त सा फीचर आया है, या आप इसे एक नया मोड भी कह सकते हो। इसमें आप अपना खुद का मैप क्रिएट कर सकते हो और अपलोड करके अपने दोस्तों के साथ खेल भी सकते हो। लेकिन एक बात है, अगर आपको मैप क्रिएट करना है तो आपको फ्री फायर मैक्स ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उस मैप को खेलना है अपने दोस्तों के साथ तो आप कोई भी प्लेयर के साथ खेल सकते हो, चाहे वो फ्री फायर का हो या फ्री फायर मैक्स का। वैसे आपको एक क्राफ्टलैंड कार्ड फ्री में मिलने वाला है और अगर आपको और भी चाहिए तो आप स्टोर से परचेस कर सकते हो। वैसे मैंने भी एक मैप बनाया है, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना उस मैप को, क्योंकि चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना एंड हमारे गर्ल वॉइस को भी जरूर से सपोर्ट करना, उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, एंड अगर आपको हमारे वीडियोस में आना है तो तुरंत जाओ डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। हम लोग डेली वहाँ पे शूट करते हैं और जो अच्छे से हेल्प करता है वीडियोस बनाने में उसके लिए बहुत सारे गिव अवेज भी करते हैं। आपको स्क्रीन में विनर्स का नाम दिख रहा होगा, तो जल्दी से जाओ सर्वर ज्वाइन कर लो।